इनको क्या बुझाएगा कि जनता क्या है, इनडायरेक्ट एमएलसी है, कभी डायरेक्ट चुन करके आने का प्रयास करे और हिम्मत है तो चुनौती देते हैं, विधानसभा लड़के दिखावे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि जनता का क्या दर्द है। क्या कहिए, ये तो पूरे बिहार को किन्हीं चिकित्सा के माध्यम से कहा ले गए हैं, वो आपसे ज्यादा एक एक जनता जो बाहर, हमारी जनता अब बिहार के बाहर बॉर्डर पे रोक दिया गया, अपने घर नहीं आने दिया, क्या बात करेंगे आदरणीय तेजस्वी जी। जो राजनीति को अपना पेशा नहीं समाज सेवा का एक जरिया मानते हैं, शायद इसलिए एमकॉम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज सेवा से जुड़ गए और 2015 में मधुबनी विधानसभा की चुनाव में राजद के उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने आए और जबरदस्त जीत हासिल की। जी हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और महागठबंधन के तरफ से मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ की। एबीएम लाइव पहली बार मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ से बेवाक प्रश्न किए और उन्होंने अपने अंदाज में क्या जवाब दिए वो आप खुद सुने। इस बार आप दूसरी बार मधुबनी विधानसभा में चुनाव में उतरे, क्या मुद्दा है, जनता को किस मुद्दे पर वोट मांगने की कोशिश करें? हम समझते हैं कि आपका बहुत सही प्रश्न है। सबसे पहले अपनी मधुबनी जनता को प्रणाम, आदाब, सलाम। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि 5 साल में जो हमारा 2015 में इलेक्शन हुए थे, 2015 के हिसाब से जो मधुबनी की जनता ने हमें वोट किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोच रहा होगा। 4 बार से एमएलए थे रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी से और हमें प्रथम बार में ही उन्होंने जिताया, तो उस पर विश्वास पे खड़े होने के लिए जो हमने टारगेट कि जितना आदरणीय रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लगातार 4 बार जीते, हम क्या करें जिसके आधार पे भविष्य में लोग हमको और अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज करें, सोचे कि मैं समय वहाँ से पूछा हुए हैं। तो सबसे पहले सबों को इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो मधुबनी का कल्चर है उसके हिसाब से हमने मेंटेन किया। और अगर अलग अलग चर्चा करें तो उस समय पूरे 4 बार का एवरेज केवल 38 किलोमीटर सड़क पर करता है, आज के दिन में हम 275 किलोमीटर सड़क हैं। छियापुर के उस कार्यकाल के बाद 66 गांवों को आज़ादी के बाद बिजली नहीं दी, हमने उस गांव तक बिजली पहुंचाई जो गरीब दलित बैकवर्ड्स थे, वो महरूम थे, अल्पसंख्यक महरूम थे, और लगभग 50 करोड़ का हमने केवल मुस्लिम आबादी में जो सड़क नहीं थी वो बनाने का काम किया। कोई कहता है हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे अगर काम करने की सलाहियत हो, कला हो, अपने क्षेत्र के भवानी को 1 करोड़ का, 1 करोड़ से ज़्यादा कानूनी काम करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमसे पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, 2-2 मेडिकल कॉलेज हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, साथ ही आईटीआई लाए, सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन दिला। और आपको एक चीज याद दिलाते हैं कि पिछले 13 वर्षों से 2015 में कोई भी दिल्ली मोड़ से जयनगर नहीं जा पाता था, सारे लोग सक्रिय होकर के तब जयनगर जाते। प्रथम 6 महीना में हमने कसम लिया कि उसको तुरंत बनवाया जाए, पुराने ठेकेदार को रिसाइन करा के, ब्लैक लिस्ट करा करके उस काम को लगवाए। पूरे भारतवर्ष में सबसे वर्स्ट रेलवे स्टेशन मधुबनी था, 127 में आप लोग का भी था, हमने उसको कराया। और लोहट चीनी मिल, रैयान चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, बहुत लकी था उन दिनों मधुबनी, जो तीनों चीनी मिल हमारे यहाँ करते, एक साल में रहे, आदरणीय नीतीश कुमार जी से बार बार मिलते रहे, तनिक भी उनको किसान का ख्याल नहीं रहा,
जबकि विधानमंडल में लगातार प्रश्न था, अंत में उनके इस रवैये से दुखित होकर वहाँ के लेबर को, वहाँ के लॉबिस्ट को हमने पेमेंट करवाया और आज भी हमारे लुट के वर्कर का पेमेंट पड़ा हुआ है, उनको मिलने में दिक्कत आ रही है। लोग मर रहे हैं, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई कि नहीं किडनी से कि नहीं और डायलिसिस पे है, पेमेंट नहीं मिल रहा। मुझे खेद है कहते हुए कि अभी की सरकार किसानों बेरोजगारों का कि नहीं भरमार, मधुबनी 40 लाख के इस आबादी में सबसे युवा पूरे बिहार में कहीं है तो मधुबनी, सबसे ज़्यादा पलायन है तो मधुबनी, एक भी कोई मील नहीं खोल पाया। मधुबनी शहर का लगभग पिछला 16 साल का विधायक केवल 8.5 करोड़ ला पाया। हमने पहली बार कहा था कि 100 करोड़ से ला करके देंगे मधुबनी के इन डेवलपमेंट के लिए और ला के दे दिया। और आप चले जाएं डीएम कोठी से लेकर के जो नाला बन रहा है उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखें, देखते देखिए कितना सुंदर नाला बन रहा है और वो 6 किलोमीटर बनेगा। आप चले जाइए बच्ची जो केनाल का बनना शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि 6 किलोमीटर केनाल बनेगा। मधुबनी का सबसे ज्यादा जो समस्या है, बरसात के दिनों में जलमग्न रहता है, नरक हो जाता है, उससे निदान दिलाने के लिए मेरा प्रथम कर्तव्य था और उसमें हम सफल हुए। लेकिन ये सरकार जदयू बीजेपी की सरकार नहीं बनने दे रही 1 साल से। तो मधुबनी की जनता को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, आक्रोश व्यक्त आप करें, उनका जिनका सरकार है समीर महासेठ तो कर्तव्य प्रायण आपका कि नहीं, मैंने एक नहीं कहते सेवक, हम तो हमेशा रहेंगे सेवक। आपसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि इस बुकलेट के माध्यम से आप लोगों को एक बार पढ़ लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि 5 साल में हमने क्या किया। 5 साल में मधुबनी विधानसभा में आपके लिए पूरे बिहार के इस क्वेश्चन के साथ साथ मधुबनी का 56 डिपार्टमेंट की धारा को मधुबनी पहुंचाने का काम समीर महासेठ ने किया। कल मंगल पांडे झंझारपुर आए हुए थे। जी जी जी। तो आप राजद के प्रवक्ता भी हैं। मंगल पांडे वहां से बोले कि 2005 से पूर्व बिहार में जंगल राज, इस पर क्या कहना है? देखिए यहाँ पर बात है, हमारे मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर है, उनको क्यों ये सब बोलने की जरूरत है? जनता तबाह है, शिक्षा चिकित्सा से बेहाल है बिहार, उनको कहने से जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो अपने आत्मा पर हाथ दे करके देख ले स्थिति परिस्थिति में दोनों कहाँ है, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा मंत्री को लाठी लेके मार करके भगाया जा रहा है उनके क्षेत्र में और कह ये MLC है, इनको क्या पता, इनको क्या बुझाएगा कि जनता क्या है? इनडायरेक्ट MLC है, कभी डायरेक्ट चुन करके आने का प्रयास करे और हिम्मत है तो चुनौती देते हैं, विधानसभा लड़ के दिखावे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि जनता का क्या दर्द है। क्या कहिए, कोरोना जब से आई है जी जी, बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन अब चुनाव आ गया तो खुल के लोग बोल रहे हैं, और उसमें आपका क्या योगदान है? वैसे तो जिलेवासी जानता है कि आपने कोरोना के समय अपनी जनता के साथ कैसे जुड़े रहे और उनका दुख दर्द बांटे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बात का एक बार खुद आप बोले कि प्रकाश जी। मैं बता देता हूँ, इस पर विस्तृत चर्चा कर देता हूँ। चूँकि फरवरी मार्च में हमारा विधानमंडल का था और समीर महासेठ पहला था, उन दिनों दिल्ली से मास्क मंगा कर हमने 50 मास्क विधानसभा में बांटा, 50 विधान परिषद में बांटा। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हंस करके पूरे विधानसभा में बोले और विधान परिषद में बोले कि क्या मैंने लोग अपोजिशन के लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये कौन सा कोरोना की बात कर रहे हैं, मास्क डराने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब सरकार को उस समय हमने कार्य स्थगन दे करके बताना चाह रहे थे कि आप अलर्ट हो जाइए, दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ परेशान होंगे, आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए। और समीर महासेठ के साथ साथ आदरणीय तेजस्वी जी हमारे नेता बाहर आकर के विधानसभा में जो सारे प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि 50 मास्क बांट करके समीर महासेठ ने पूरे बिहार को अलर्ट किया, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में थी,
ये लोग मरने पर कि नहीं उतारू थे। आज जो कह रहे हैं तो माननीय मंत्री जी हंस रहे थे, आज जब ये बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी संयोग से मास्क सदन में लगा के आए थे, तुरंत मुख्यमंत्री के सदन में मास्क उतार दिए। और हमने यही कहा माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब कम से कम ये काम मत करिए, अंत में ये डिपार्टमेंट आपका है, बदनाम आपका डिपार्टमेंट होगा और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और संयोग से मधुबनी में आया है क्या बात करेंगे, ये तो पूरे बिहार को किन्हीं चिकित्सा के माध्यम से कहा ले गए हैं वो आपसे ज्यादा। एक एक जनता जो बाहर, हमारी जनता अब बिहार के बाहर बॉर्डर पे रोक दिया गया, अपने घर नहीं आने दिया, क्या बात करेंगे। प्रवासी मजदूर और फलाना मजदूर और ये खाना ढिमकाना आज तक लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियल किन्हें लव करना चाहते हैं बिहार के वैसे गरीब लोगों से, ये उपहास कर रहे हैं गरीबों का। आपके सामने क्लियर हो गया कि आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से सुमन महासेठ जी, और सुमन महासेठ ये तो नाम ही नहीं है किसी का, गलतफहमी है, सुमन कुमार, सुमन कुमार जी नहीं, नो महासेठ सुमन कुमार है, सुमन कुमार है, सुमन कुमार महासेठ नहीं। जो हमने देखा है एमएलसी थे सुमन कुमार के नाम से डायरेक्टरी में छपा हुआ है एमएलसी का, तो सुमन कुमार बोले महासेठ का लगता है, वो लिखते हैं आज भी हम आपको तुरंत दे देते हैं, देख लीजिए उनके विधान परिषद में क्या है, सुमन कुमार। अब वो अभी लगा के एफिडेविट देके कर रहे तो महासेठ हो जाए, एक सुमन कुमार जी हुए जी जी, और दूसरा सामने आ रहे हैं रामदेव अभिभावक है, गार्जियन है, सीनियर है, इनको कितना प्रतिद्वंदी अपना मानते हैं? हम क्या प्रतिद्वंदी मानेंगे, हमने कभी किसी को प्रतिद्वंदी माना ही नहीं, हम तो समाज के साथ हैं, कौन प्रतिद्वंदी सामने आएगा हमें नहीं पता है, वो समाज तय करेगा, हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, इसलिए हम ये मानते हैं कि जनता ही असली हमारा है, जिसके हक में वो जाएगा वही जीतेगा। अब उसमें से वो माने क्या होगा वो जनता से पूछ लेंगे, हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, हमारा अपना है, अगला चल है, पार्टी का है, महागठबंधन है, और हमारे महागठबंधन में पहली बार पूरे देश में इस तरह का महागठबंधन बना है, ध्यान कर लें, जहाँ कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और सीपीआई सीपीएम माले भी है, जो एक अजूबा, और केवल यही नहीं हर एक हमारे आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे जो जनता का चल रहा है, और आने वाला टाइम में तीनों पार्टी का हम लोग को उम्मीद है उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया जाएगा, हमें ऐसा आभास हो रहा है। तो आप मान के चले कि आने वाले टाइम में ये गठजोड़ कोई ऐसा गठजोड़ नहीं होगा जो पिछले बार हम लोग छका है, गए थे जनता के वोट पे चले गए बीजेपी के साथ, ये गलत बात। आखिरी सवाल, इस चुनाव में मधुबनी जिले के साथ साथ बिहार से क्या उम्मीद है? देखिए जब हम लोग सत्ता में रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो काम पिछले 16 साल में चार बार का विधायक किया उससे 10 गुना जब हम काम किए, तो निश्चित तौर पे जितना काम किए हैं, जो सोचा हुआ था जो पूरा नहीं हुआ, जो हमने बुकलेट में दिया है, सीटों की जो कितने सीट की अपेक्षा करते हैं, कितने उम्मीद रखते हैं, जब मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होंगे तीन तीन आपको कि नहीं डिप्टी सीएम होंगे, तो आपको अंदाज हो जाना चाहिए कि पूर्णतः बहुमत में हम लोग रहेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। मधुबनी में 10 विधानसभा में कितने सीट की उम्मीद, हमें तो पूरा विश्वास है कि 10 का 10 महागठबंधन जीतेगा। आप बता दें सर्वे करके कि कौन हार रहा है, अगर सर्वे का रिपोर्ट आप लोग का आ जाए तो निश्चित तौर पे चौथा स्तर आप लोग हैं। जहां तक एक पॉलिटिकल सेंस है, जो महागठबंधन का रफ्तार है वो जनता तय करेगी, सिर्फ एक ही काफी है, जो यहाँ से मजदूर बाहर गए थे प्लान करके वो थकान महसूस करना है, खुद भी ये एहसास करेगा। अब 25,000 वोट निगेटिव जो वोट था मेरा पिछले बार
वो हमको पॉजिटिव होगा इस बात से कि समीर भासेट अच्छा है, इन लोग का एजुकेशन, अरे कहाँ से स्कूलिंग, कहाँ से ये JNU तक पढ़ाई करने के लिए ऐसे ही हम चले गए थे। अगर ये लोग डाटा के साथ आवे तो बैठ के डिस्कशन कर लें, एक साथ बैठ जाए। ये लोग जिस ढंग से करते हैं, आज भी चैनल का हो कर रहे थे, हमने कहा कि हम प्रणाम करते हैं, मैं चला, हमारा वो नेचर नहीं है, न झगड़ा कराओ न झगड़ा में रहो, हम शालीनता से अपने पूर्वजों का ख्याल करते हैं। हम मैंने नहीं कहते हमारे पिताजी स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के हम सुपुत्र हैं, उस कल्चर को हम एडॉप्ट करके चल रहे हैं, उनका जो सोचा हुआ था, जो बचा हुआ था, उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। हम किसी को अपना क्रिटिक न मानते हैं, न जीवन न मानेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि खुद भी अच्छा काम करो और दूसरों को भी सजेशन दो कि आप भी अच्छा करो। तो आपने सुना, ये थे मधुबनी से राजद के प्रत्याशी समीर महासेठ जी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें